भर्ती। और इसी बीच आपको इस वक्त की एक और बड़ी खबर बता देते हैं, और दरअसल ये बड़ी खबर राजस्थान कांग्रेस से जुड़ी हुई है। राजस्थान कांग्रेस में मचे सियासी घमासान का असर गुजरात में भी हो सकता है। दरअसल गुजरात में विधानसभा चुनाव की चर्चाएं जोरों पर है, चुनाव आयोग की टीम भी गुजरात दौरे पर है। ऐसे में कभी भी विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है, लेकिन गुजरात में कांग्रेस की चुनावी कमान संभाल रहे नेता राजस्थान के सियासी घमासान में उलझे नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि गुजरात कांग्रेस के प्रभारी का दायित्व राजस्थान के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा निभा रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पर्यवेक्षक बनाया गया, लेकिन ये दोनों नेता राजस्थान की राजनीति में काफी ज्यादा बिजी हो चुके हैं। ऐसे में गुजरात में कांग्रेस पार्टी की चुनावी तैयारियों को एक बड़ा झटका लग सकता है। और एक और कांग्रेस पार्टी में दरअसल नए अध्यक्ष को लेकर चुनाव की तैयारियां चल रही, तो वहीं पर दूसरी तरफ बीजेपी में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल 2024 तक बढ़ा दिया जाएगा। आपको बता दें कि नड्डा का कार्यकाल अगले साल 20 जनवरी को खत्म हो रहा है। पहले पार्टी में जेपी नड्डा को सिर्फ 7 महीनों के लिए कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। इसके बाद जेपी नड्डा ने 20 जनवरी 2020 को पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभाली थी। और इसी बीच अब आपको झारखंड से खबर बता दें, झारखंड में 3 जुलाई को हुई जेई की परीक्षा लेने वाली कंपनी विंसिस के मालिक अरुण कुमार ने पेपर लीक किया था। इसके एवज में 75 अभ्यर्थियों से 20-20 लाख रुपए की मोटी रकम भी ली गई। इसका खुलासा पटना से गिरफ्तार किए गए गिरोह के सदस्य अभिषेक ने किया है। अभिषेक ने रांची पुलिस को बताया कि 20 लाख रुपए में से 15 लाख रुपए अरुण को मिले थे, जबकि 5 लाख रुपए बाकी लोगों को। सुप्रीम कोर्ट ने अपने यहाँ मामले की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग के मामले में बड़ी बात कही। शीर्ष अदालत ने कहा है कि कार्यवाही के सीधे प्रसारण यानी कि लाइव स्ट्रीमिंग के लिए उसका अपना प्लेटफॉर्म होगा। इस उद्देश्य के लिए यूट्यूब का उपयोग अस्थाई है। चीफ जस्टिस यू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने ये बात कही। आपको बता दें कि बीजेपी के पूर्व नेता KN गोविंदाचार्य के वकील ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही का कॉपीराइट YouTube जैसे प्राइवेट प्लेटफॉर्म को सौंपना ठीक नहीं है। अगली खबर आपको बता देते हैं, देश में अक्टूबर से 5G मोबाइल सेवा की शुरुआत होने जा रही है। अक्टूबर तक 5G मोबाइल सर्विस लॉन्च हो जाएगी, जिसके चलते देश की कई मोबाइल निर्माता कंपनियों के बीच 5G मोबाइल को मार्केट में लाने की होड़ अब लगनी शुरू हो गई है। रिलायंस जियो अपना पहला सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है। देश में जियो के इस न्यू स्मार्टफोन की कीमत 8,000 रुपये से 12,000 रुपये के बीच हो सकती है, जिससे इसे आम जनता तक आसानी से पहुंचाया जा सके। अगली खबर भी आपको बता देते हैं, भारतीय रुपयों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 58 पैसे गिरकर अब तक के सबसे निचले स्तर 81.67 रुपये पर आ चुका है। वैश्विक बाजारों में अमेरिकी मुद्रा में मजबूती और निवेशकों में जोखिम से बचने की धारणा से रुपए पर प्रतिकूल असर पड़ा है। विदेशी मुद्रा कारोबारियों की माने तो रूस और यूक्रेन युद्ध, घरेलू बाजार में बड़ी गिरावट और विदेशी संस्थागत निवेशकों की पूंजी निकासी से निवेशकों में जोखिम लेने की धारणा प्रभावित हुई है। अगली खबर आपको पाकिस्तान से बता दें, पाकिस्तान को अमेरिकी सैन्य मदद पर विदेश मंत्री अजय शंकर ने नाराजगी जताई। जयशंकर ने अमेरिका को दो टूक कहा कि आप आतंकवाद के बहाने किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते। आपको बता दें कि अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमान के लिए $45 करोड़ का पैकेज दिया है, जिसके बाद जयशंकर ने यह आपत्ति दर्ज करवाई है। जयशंकर ने कहा कि इन विमानों को कहां पर तैनात किया गया है, क्या इस्तेमाल होगा, ये सब हम जानते हैं। अगली खबर आपको कोरोना से जुड़ी हुई बता दें, कोरोना के बाद अब रूस में एक नए वायरस की पुष्टि हो चुकी है। इस वायरस का नाम खोस्ता 2 है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये वायरस इंसानों को संक्रमित कर सकता है। दुनिया अभी भी कोरोना और मंकी पॉक्स जैसे वायरसों से जूझ रही है। इसी बीच नया वायरस भी आ चुका है सामने। रूस में चमगादड़ों में एक नए वायरस की पुष्टि हुई। खोस्ता 2 भी कोरोना की तरह ही है। चिंता की बात ये कि ये वायरस चमगादड़ों से इंसानों में फैल सकता है और फिर इसका ह्यूमन ट्रांसमिशन भी तेजी से हो सकता है। इस वायरस का कोई टीका भी अभी फिलहाल उपलब्ध नहीं, और खोस्ता 2 वायरस पर कोविड की वैक्सीन से बनी एंटीबॉडी भी काम नहीं करती। रिपोर्ट के मुताबिक अगर इस वायरस का ट्रांसमिशन
इंसानों में शुरू हो गया तो काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है खोस्ता 2 वायरस। फिलहाल चमगादड़, पेंगोलिन, रैकून कुत्ते और सीवेट जैसे जंगली जानवरों, पक्षियों में फैल रहा है, लेकिन नया वायरस भविष्य में महामारी का रूप भी ले सकता है। और अब देखते हैं फोटो ऑफ द डे। आज की तस्वीर राजस्थान के 12 जिले की, रामगढ़ की ये गोलाकार पहाड़ी विश्व धरोहर में शामिल है। वैज्ञानिकों का कहना है कि उल्का पिंड गिरने से ये रिंग के आकार वाली पहाड़ी बनी थी। ये संरचना करीब 14 करोड़ साल पुरानी बताई जाती है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, और ये जो खूबसूरत तस्वीरें हैं, वैज्ञानिकों की तरफ से इस तस्वीर को लेकर कहा गया है कि ये कई साल पुरानी तस्वीर है। तो इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त हो चला एक छोटे